Students, good evening to all of you. Welcome back to my lecture. This is Chemistry with Ashish Arora. I love you, Bija, for that. And thank you very much for coming over here. See, Chemistry with Ashish Arora में आज हम पढ़ाई करने वाले. Last time हमने EAR किया. EAR का थोड़ा सा portion ही किया है. अभी EAR को मुझे आगे बढ़ाना है. Electrophilic addition reaction, second part. But आज मैं second part लूँगा. उससे पहले मैं क्या है? Certain ऐसे topics करवा रहा हूँ जो छोटे-छोटे topics हैं, लेकिन supporting topics. They are not mechanism related, but वो हमें सीखने जरूरी है, तो हम mechanism को और detail में सीख पाएंगे. Okay? ये certain topic 12 के होते हैं, certain topic कहीं और जगह पे होते हैं. तो मैं आज आपको थोड़ा सा ये topic समझा रहा हूँ. जरा यहाँ पे देखिए, already मैंने थोड़ी सी अपनी note पहले से बना के रखी हुई है, ताकि क्या है कि फटाफट हम कर पाए. I am going to teach you about polarimeter first of all. Okay? ये अलग सा छोटा सा topic है, direct नहीं पूछते, लेकिन काम का है. अभी क्या होता है कि suppose हमारे पास कोई एक light का beam है, light. लाइट वेन एवर इट प्रोपोगेट, सपोज आपकी ओर लाइट आ रही है, सो वेन एवर द लाइट कम्स टुवर्ड्स यू इन अ फॉर्म ऑफ अ बीम, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि लाइट के जो वेव्स होते हैं, दे मूव इन अ डिफरेंट प्लेन, दे हैव डिफरेंट प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन. एक एक ऐसे प्लेन में आएगी, इसका जो वेव है ऐसे वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है टूवर्ड्स यू लाइक दिस. ओके, उस वही ऑर्डिनरी लाइट के अंदर एक प्लेन का प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे भी रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइक दिस वे. So one is moving this way, one is moving this way. Okay, another wave is moving in this direction. Another is moving in this diagonally across. तो मतलब क्या, मैं तो चार यहाँ पे दिखाया. Okay, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी ड्रॉ करके रखे हुए, तो दिस आर वॉट यू आर सीइंग इज प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन ऑर्डिनरी लाइट. मैंने तो यहाँ पे चार प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन दिखाया, देर आर थाउजेंड्स पॉसिबल, बट हमें सब दिखाने की जरूरत नहीं है. तो देर आर लॉट्स ऑफ प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन, एंड यहाँ पे ये जो मैं लगा के रखा हुआ है, दिस द ऑर्डिनरी लाइट. वो कौन सी लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट. अब अभी ये ऑर्डिनरी लाइट को सपोज हम पास करते हैं यहाँ पे थ्रू अ पोलराइजर. पोलराइजर अलग अलग टाइप के होते हैं. एक लेट्स से निकोल प्रिज्म है, वो एक क्रिस्टल है, उसके थ्रू जब ये लाइट को आप पास करते हो, तो क्या हो रहा था? सपोज लेट्स से कि मेरा ये पोलराइजर है, ये जो आपको दिख रहा है, और ये मेरा लाइट का बीम ऐसे जा रहा है. लाइट का बीम जब इसके पास जाता है, तो जब जा रहा था तो सब प्लेन में जा रहा था. इसके थ्रू जब जाता है, तो जो सब प्लेन में ऐसे 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 जा रहा है, पोलराइजर के थ्रू जब निकला, तो वो सबके सब प्लेन अभी भी है, लेकिन सबके सब प्लेन एक ही डिरेक्शन में जा रहे हैं. कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो जाने वाले हैं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, एक ये प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया. अभी भी काफी सारे प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन है, बट सबके सब कैसे हो गए? पैरेलल. क्या आपको समझ में आ रहा है? तो अगर सबके सब पैरेलल हो जाते, तो हम उसको पोलराइज लाइट बोलते. व्हाट डू वी कॉल इट? पोलराइज लाइट. ये जो हमारे पास हो गए, और पोलराइज लाइट में हम लोग करते क्या है कि खाली एक ही प्लेन दिखाते. व्हाट डू वी शो ओवर हियर इज ओनली वन. वन क्यों दिखाते? इट रिप्रेजेंट्स ऑल द प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन. अगेन, ये ऑर्डिनरी लाइट थी, और ये कौन सी होगी? पोलराइज लाइट. क्या आपको समझ आ रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड पोलराइज लाइट? नॉर्मली हम लोग उसके लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं. ये भी मोनोक्रोमेटिक थी. Now, what is the difference between monochromatic and polychromatic? किसको पता है? किसी को आइडिया? Okay, काव्या knows. Anyone else? Difference between monochromatic and polychromatic. Yes, बेटा. Monochromatic is single wavelength. More than one. Poly मतलब many. Chromatic मतलब okay many colors. Chromatic. It has more. Each color has their own wavelength. हर एक कलर का व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वी नो. ओके, रिव्यूअर सेवन कलर की है, तो हर एक की वेवलेंथ होगी ऑर्डिनरी लाइट के अंदर, तो उसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोल रहे हैं. हम यूज कर रहे हो क्या? मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक मतलब ओनली सिंगल कलर. नॉर्मली मोस्ट ऑफ टाइम दे यूज येलो. क्या यूज करते हैं? येलो. तो ये येलो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, ये ऑर्डिनरी थी, उसको हमने क्या कर दिया? येलो कलर की. जरूरी नहीं कि वही हो, अलग अलग कलर की यूज कर सकते, बट दे हैव ओनली सिंगल वेवलेंथ. That's very important. चलो ठीक है. अभी यहां पे
मैंने कुछ और ले रखा है, वो क्या है? वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिक सैंपल है। इसके अंदर यहां पे बीच में एक ट्यूब है, जो मैंने येलो कलर का, दो ब्लू कलर के अंदर आपको येलो कलर का दिख रहा है, वो क्या है? एक ट्यूब है, उसके अंदर हम लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक सैंपल डालेंगे। सर लिक्विड में नहीं हो तो, अगर सॉलिड में हो तो उसका सॉल्यूशन बना के डालेंगे, पर डालेंगे कैसा? लिक्विड फॉर्म में, बराबर है। तो यहां पे सैंपल डालेंगे और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये लाइट को पास करते हैं, पोलराइज लाइट को। उसके थ्रू हम क्या करेंगे? पोलराइज लाइट को पास करेंगे। जब आप पोलराइज लाइट को पास करते हो, देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज ध्यान से देखिए। सपोज अगेन मैं अपना रिस्ट यूज कर रहा हूं, बट इस बार वो पोलराइजर नहीं है, अभी वो क्या सैंपल है, और इसके थ्रू हम डाल रहे हैं क्या, पोलराइज लाइट। तो दो पॉसिबिलिटी है, जैसी पोलराइज लाइट का ये प्लेन डाला, वैसा का वैसा वही डिरेक्शन से वापस निकल रहा है। देर इज नो चेंज इन द डिरेक्शन ऑफ प्लेन लाइक दिस, ये जो तो आपका ओरिजिनल ये येलो कलर का था, निकला तो भी वो कैसा है, वही व्हाइट वाला, वही डिरेक्शन में, देर इज नो चेंज। तो उसको हम बोलेंगे ये जो सैंपल था वो ऑर्गेनिक सैंपल, ऑप्टिकली इनएक्टिव सैंपल था, उसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट, हमें ऑप्टिकल इनएक्टिव सैंपल में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें इंटरेस्ट किस में, कि जो आपका लेट से के जो ओरिजिनल वाला, मैं वापस यहाँ पे व्हाइट कलर ही ले लेता हूँ, हमारा पास ये ओरिजिनल था, ओके ये ओरिजिनल सैंपल था हमारा, अगर ओरिजिनल लाइट होता ये होता, इसके थ्रू निकलता है, निकलने के बाद जैसे कि ये हो रहा है, देखो वापस यहाँ पे जा रहा है, जाने के बाद अगर सीधा निकलता था, जैसा था वैसा निकलता, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अगर ऐसे जा रहा है ओके, और आपके लेफ्ट में घूम रहा है, आपके लिए लेफ्ट में घूमा, मेरे लिए राइट में घूमा, आपके लेफ्ट में ओरिजिनल ये डिरेक्शन था और वो प्लेन कैसे घूम गया, टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट, कोई भी डिरेक्शन में वो घूम गया, इट डजंट रिमेन एज इट इज, इट इज चेंज टूवर्ड्स इधर राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट। तो वैसे सैंपल को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल बोलेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल के अंदर हो क्या रहा है, तो भाई इसके अंदर जो हमारी लाइट थी उससे डिरेक्शन ओके, या तो लेफ्ट में मूव हो गया, ओरिजिनल व्हाइट कलर था, या तो वो किस में मूव हो गया, राइट में, ओके न्यू प्लेन ये हो गया, इसमें न्यू प्लेन, ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव हुआ, ये टुवर्ड्स ईदर ऑफ दैट। अगर ऐसा मिलता है हमें, तो उसको हम बोलते हैं इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं। एंड अगर वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करता है, तो उसको हम लिवो रोटेटरी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, लिवो, लिवो इज ए ग्रीक वर्ड ओवर हियर, लिवो का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है, और उसका मतलब होता है, लिवो का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, लिवो का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट, और हम लोग उसको ओके स्मॉल एल के सिंबल से डिनोट करते हैं। मुझे बराबर तरीके से लिख दीजिए, लिवो को पूरा नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, स्मॉल एल, या तो लिखेंगे नेगेटिव, वो नेगेटिव रोटेशन हुआ, वो क्या हुआ, नेगेटिव रोटेशन। अगर राइट हैंड साइड को रोटेट करते तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो क्या बोलेंगे, स्मॉल डी, या तो पॉजिटिव। ग्रीक में डेक्स्ट्रो इज कमिंग फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड डेक्स्टर, डेक्स्टर मतलब टूवर्ड्स राइट, मतलब टूवर्ड्स राइट। तो हमने ये जो पोलरीमीटर है, पोलरीमीटर हमें क्या दिखा रहा है, पोलरीमीटर में कुछ नहीं दिखा रहा है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज दिखा रहा है कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव है। पोलरीमीटर का काम क्या है, What does it do? Optically active substance दिखाया गया तो optically inactive. अगर optically active है तो वो क्या liver rotatory है या dextro rotatory? Correct or not? Are you getting this? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ आपको? तो अच्छा, कोई भी substance optically active है या नहीं है, उसका structure देखने के बाद कभी भी नहीं बता सकते हो, कोई scientist नहीं बता सकता है। Structure देख लिया, या तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया पेपर पे,
वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, यू कैन नॉट से दैट. अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो डेक्स्टर रोटेटरी है, लीवर रोटेटरी, वो भी नहीं बता सकते. इनफैक्ट डेक्स्टर एंड लीवर में और एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो कितना डिग्री रोटेट कर रहा है. ये जो है अल्फा इज डिग्री ऑफ रोटेशन. अल्फा क्या है? तो वो डिग्री ऑफ रोटेशन कितना है, प्लस में माइनस में 10, 10, 15, दैट वी कैन नॉट जस्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर. That can be found out, वो optically active कितना है, it can be found out by using only polarimeter. मैंने यहाँ पे polarimeter draw कर दिया ये. Okay, आपको exam में polarimeter draw करने का पूछेंगे भी नहीं, not even in NCERT. But we should know the concept. Concept तो पता होना जरूरी. ठीक है, तो we have learned it. It is a polarimeter. Okay, ये वाला polarimeter में NCERT बीच में 12th standard में करवाने वाला. हमारे लिए यहाँ पे जीडब्ल्यू में 11th 12th वो डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाला, वहाँ पे भी नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पे इसका यूज 12th एनसीईआरटी में ही होता है, 11th में नहीं होता. हमारा तो 11th से चालू हो जाएगा. बराबर है, सो विल कंटिन्यू. सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद जीडब्ल्यू, क्योंकि अभी वहाँ पे वो बीच में आप शिफ्ट भी नहीं हो सकते, भी शिफ्टिंग का ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि दे हैव लर्न डिफरेंट टॉपिक्स ना. ओके, विल कंटिन्यू फॉर द नाउ. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. समझ में आ रहा है? सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बहुत इजी है. चलो ठीक है, नाउ जरा ध्यान से देखते हैं हम, और एक पॉइंट देखेंगे. यहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं असिमेट्रिक कंपाउंड. ओके, उसका स्पेल है CHIRALITY. ओके, इसको कायरालिटी बोलते भाई, चायरालिटी नहीं बोलते हैं, बट सर हमें तो आने चिराग भाई थी जो रखिए चाहिए, तो इसका नाम चायरालिटी नहीं है, इसका नाम क्या है? कायरालिटी. अच्छा, उसका मतलब ये भी नहीं वहां पे चिराग सर को जब बोला हाय कायराग सर कैसे हो. ओके, वो कायराग नहीं, वो चिराग है. ओके, आर यू गेटिंग दिस? ओके, क्या यार आप लोग भी झगड़ा करवा दोगे हमारा, करेक्ट और नॉट? तो वो क्या है? ओके, चिराग है, और ये क्या है? कायराइल. ओके, तो हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? आई हैव रिटन इट ओवर हियर, इज कायरालिटी. बराबर है कि नहीं? व्हाट इज कायरालिटी, लेट मी एक्सप्लेन यू. कायरालिटी एक्चुअली क्या है? आपके पास कोई भी कार्बन है, वो नॉर्मली चार बॉन्ड बनाते हैं. लेट्स से कि यहाँ पे चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एंड जो चारों ग्रुप है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इफ कार्बन इज अटैच टू विद द फोर डिफरेंट ग्रुप्स, देन वैसे कार्बन को हम असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक कार्बन. खाली असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे ऐसा नहीं, उसको हम एक एस्ट्रिक की साइन से भी दिखाते हैं. दिस इज व्हाट द एस्ट्रिक साइन जो दिख रही है आपको. ओके, एस्ट्रिक की साइन मतलब यही कार्बन जो है वो असिमेट्रिक है, ये वाला नहीं है. क्यों? उसके साथ तो तीन हाइड्रोजन है, चारों अलग होने चाहिए. चारों कैसे होने चाहिए? अलग. ओके, आर यू गेटिंग दिस? और देखा गया है कि कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, दे ऑलवेज हैव असिमेट्रिक कंपाउंड या तो असिमेट्रिक कायरल कार्बन उसके पास होगा, होगा और होगा. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर रहता है, हमने देखा आगे ऑप्टिकली एक्टिव, उसके पास हमेशा कायरल कार्बन है, ऑलवेज. बट प्रॉब्लम यह कि अगर कोई कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा बोल सकते? ना भाई ना. All optically compound always have chiral carbon, but all chiral carbon compound they may not be optically active. It's similar something like this. If it is raining, अगर बारिश हो रही है तो रास्ते गीले हैं. क्या बताया मैंने? बारिश हो रही है तो रास्ते गीले. अगर रास्ते गीले हैं तो बारिश हो रही है वो जरूरी नहीं है. किसी की गटर भी ओवरफ्लो हो रही होती है. आप लोग यार हमेशा गंदी सोच रखते हो. अरे यार टैंकर निकला पानी का यार, क्या 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 कुछ भी यार, करेक्ट हो ना? सो अगर बारिश हो रही है तो रास्ते हमेशा गीले, दैट्स ट्रू, बट अदरवाइज नॉट ट्रू. इट मे बी, इट मे नॉट बी, करेक्ट हो ना? किसी का पानी ओवरटैंक फ्लो हो रहा है, व्हाटएवर. ओके, आपको जो 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 दिमाग में लगा मैं लगा दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता. बट पॉइंट ये था कि भाई अगर ऐसा है तो ओके,
the other way is not always true. Are you understanding it? Okay, मैंने थोड़े से पॉइंट पहले से लिख के रखे, थोड़े से पॉइंट आपके साथ में लिखूंगा. मेरी नोट्स जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैं पढ़ाऊंगा इस तरह से, बराबर है कि नहीं? तो कायरलिटी क्या समझ में आ रहा है, करेक्ट और नॉट? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है वो समझ में आ रहा है? ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा. देन आगे देखते हम फिशर प्रोजेक्शन. नो, व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन? यहाँ पे जो ऊपर वाला कंपाउंड था आप देख रहे हो, मैंने उसको ओके 3D में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ. और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो कार्बन है, थोड़ा सा मोटा ले लेता उसको, ये जो कार्बन है उसके साथ OH एंड CA3 इट सीम्स टू बी इन वन प्लेन. It seems to be in one plane. Whereas ये जो हाइड्रोजन है ना वो आपकी ओर आ रहा है, एंड जो ये क्लोरीन है वो आपसे दूर जा रहा है, पीछे जा रहा है. Can you see that? Are you understanding three dimension में? Correct or not? आपको दिख रहा है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक आपकी ओर आ रहा है, एक पीछे जा रहा है. तो ये 3D स्ट्रक्चर है, दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर. जब ये 3D स्ट्रक्चर देखते हो आप, तो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है. तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेट मी ड्रॉ द बोन्स ओवर हियर विद द डिफरेंट कलर. सो हम जो ये वाला देख रहे थे, हाइड्रोजन इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड क्लोरीन इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है, बराबर. तो उसको हमें ड्रॉ करने का एक तरीका सीखना है, उसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन. देखो हमारे पास जो बुक है वो 2D है, और हमें डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है? 3D, वो करना बहुत जरूरी है. तो 2D और 3D में हम क्या करेंगे, पहले तो जो सेम प्लेन में तीन एटम है हमारे पास यहाँ पे, ओके, ये तीनों जो है वो सेम प्लेन में, कौन कौन से? कार्बन, OH एंड CA3, जो मैंने वहां पे वाइट किया था उसको तो आप सीधा नॉर्मल ऐसे ही ड्रॉ कर दोगे, कार्बन CA3 एंड OH, वो कर दिया. उसके बाद जो हमारी ओर आता है, द हेलो विच कम्स टुवर्ड्स अस, लेट्स से यहाँ पे हाइड्रोजन था, उसके लिए हम डायग्राम में ऐसे सॉलिड वेज बनाएंगे, सॉलिड ट्रायंगल बना दें. मैंने बहुत ज्यादा मोटा बना दिया, मैं थोड़ा सा उसको पतला कर देता हूं. ठीक है, ये हाइड्रोजन, अगर सॉलिड कहीं पे भी ड्रॉ किया मतलब इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ओके, पेज में से उठ के दिखता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा हूं, तो हम बोलेंगे अच्छा 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 अच्छा, ओके, ठीक है. और कोई बोलता है मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, तो हम बोलेंगे मत जा मत जा मत जा. अगर ये ड्रॉ किया हुआ जितना दूर जाता है उसे आवाज टूटती जाती है, मच्छा मच्छा मच्छा, तो वो हमको डोटेड 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 बनाना है, क्या करना है, तोड़ना है उसको. ये डोटेड लाइन है, ओके, आज वहां पे CL आएगा, चलो ठीक है मैं CL कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा इसको मैं अच्छा सा शेप दे देता हूँ. ना ना ना, दिस इज नॉट गुड, चलो ठीक है. और यहाँ पे आना चाहिए CL, और ये वाली जो थी हमारी ये लाइन को के वो तोड़ दी हमने, ठीक है. आर यू गेटिंग दिस? तो जब भी ऐसे ड्रॉ करते हो इट्स नॉट टू डायमेंशन. और मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, चलो इसको मैं पहले हटा देता हूँ. और एक्चुअली ड्रॉ करने का तरीका ऐसा है, ओके, और प्यारा सा शेप दे देता हूँ. तो शेप के लिए वो एक्चुअली ट्राइंगल शेप में होता है ऐसे, नहीं 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 ये नहीं चलता, मैं चीटिंग हो गया. आर यू गेटिंग दिस? हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, जब भी आपको दिखा दे तो ये क्या है, 3D में है. और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि ये वाला जो है, ओके, दैट इज अवे फ्रॉम यू, एंड ये क्या है, टूवर्ड्स यू, या तो हाँ नियर, वर्ड तुम लोग को अच्छा लगता है मुझे पता है, नियर यू, ओके, हाँ हाँ हम समझते हैं, लेकिन अभी
अभी अभी रखिए अपने आपको शांति में, ओके चलो विल कंटिन्यू पढ़ना। आर यू गेटिंग दिस? अरे यार मैं भी फंस गया था, मैं आप लोग की बात नहीं कर, आपके साथ तो फंसा ही हुआ, निकल नहीं सकता हूँ, और कोई ऑप्शन है मेरे पास नहीं है ना, है डगली। ओके विल कंटिन्यू। सो गाइस विल कंटिन्यू फॉर द, ये समझ में आ रहा है आपको फ्यूचर प्रोजेक्शन? आपको एग्जाम में या नोटबुक में या तो टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी ये डायग्राम दिख गया तो आपको सोचना क्या है कि दिस फेलो इज टूवर्ड्स यू, ये सेम ऑन द एक ही प्लेन में है एंड दिस इज अवे फ्रॉम यू। ओके बहुत बढ़िया सर। ओके ये साइड टॉपिक है, डायरेक्ट कोई पूछने वाला नहीं है, बट पता होना जरूरी है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये करवा दिया। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज कायरलिटी एंड असिमेट्रिक कार्बन एंड उसका ड्रॉ करने का तरीका? और आपको ये आजकल बहुत ये डिजिटल वाली नोट्स मिल जाती है, अच्छी लगती है डिजिटल वाली नोट्स, नहीं लग रही? हाँ ये यही वाली सर, एक तो हमें लिखने का कम हो गया, कुछ कम नहीं हुआ है, आपको दो बार घर से वापस लिख के आना है। हेलो डिजिटल नोट्स मिलती है आपको, चार्ट पेपर में भी अपडेट करनी है और सब कुछ करना है, नेक्स्ट टाइम उसकी टेस्ट रहेगी, करेक्ट और नॉट? ओके वाह, अभी हम पढ़ाई करने वाले हैं। ओके सबसे पहले तो इसको प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं, चलो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नैनसियोमर्स बोलते या तो एनेंसियोमर्स बोलते, कई बार ये ई को साइलेंट कर देते तो क्या हो गया, नैनसियोमर्स, आगे ई लगा दिया तो एनेंसियोमर्स। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वी नो इट कि दिस इज प्रॉपर टू दिस फाइन। ठीक है यहाँ पे पहले तो हमारे पास यहाँ पे ये काइरल कंपाउंड है एज यू कैन सी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एस्ट्रिक की साइन कर देंगे। एक ओ एच है, एक एच है, एक सी ए थ्री और एक सी एल। सपोज ये वाला पार्ट जो है, ओके ये एक मिरर है, ये क्या है हमारे पास, ओके मिरर में क्या होता है कि भाई जब आप ड्रॉ करते हो तो ये जैसे कि ये सपोज मेरे पास ये मेरा लेफ्ट हैंड है और बीच में एक मिरर है, इमेजिन कीजिए तो उसकी मिरर इमेज कैसे आएगी, ऐसे आएगी थंब के एग्जैक्ट, थंब ने थंब और लिटिल फिंगर मिरर से दूर है तो लिटिल फिंगर मिरर से दूर आएगी, करेक्ट ना? ये दो मिरर इमेजेस है, ये दोनों कैसी है, बराबर है कि नहीं? एंड अगेन दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। व्हाट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल? अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर डालता देन वो एक दूसरे पर मैच नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। पर सर आपने गलत उठाया, आप उठा के ऐसे डाल दीजिए, हेलो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना, जैसे था वैसे उठा के डालना, यू कैन नॉट रोटेट इट, बराबर है कि नहीं, जैसे वैसे ही उठा के डालना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओए आ रहा है कि नहीं समझ में? तो हाँ तो बोल, ओके चलो अच्छी बात है। नहीं वो देख रहा है, सोच रहा है ये क्यों, हाँ बस बस ऐसे ऐसे उसके लुक में, उसको पूछो समझ में आ रहा है। ओके चलो ठीक है। हाँ यार कोई मेम पढ़ा रहा तो उनको बुरा लग जाता, ये लड़का हाथ मार रहा है। और क्या यार, वो देखिए ऐसे ऐसे कर रहा तो मैं क्या समझू उसका। ओके अच्छा चलो ओके नाउ विल कंटिन्यू फॉर द, तो इसका मिरर इमेज करते हैं, सी स्टार के सामने सी स्टार आता है, ओके OH के सामने OH, ये वाले H के सामने H, CA3 के सामने CA3 और CL के सामने CL। अगर आपके पास एक पेयर मिलती है जो एक दूसरे की मिरर इमेज है एंड अगर काइरल कार्बन वाली है तो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की क्या है वो मिरर इमेज है एंड वो दोनों, एंड मैं यहां पे एक वर्ड लगाना भूल गया तो लगा देता हूं, ओके नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मैं आपको समझाता हूं, सपोज इसको उठा के मैंने इसके ऊपर डाला, क्या इंपोज हुआ एक दूसरे पे एग्जैक्टली? नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल? ओके सो अगर उसमें से ये वाला पार्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सर हमें कैसे पता हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है? भाई नहीं पता है, स्ट्रक्चर देखने से कोई साइंटिस्ट का बच्चा भी, साइंटिस्ट का बच्चा का साइंटिस्ट का बाप भी नहीं बता सकता, करेक्ट और नॉट? नहीं बता सकता कि ये डेक्स्ट्रो या लियो है, वो कौन बताएगा? पॉलरीमीटर ही बताएगा।
ये डेक्स्ट्रो है या लिवो है हमें पता नहीं चलता, लेकिन लेट्स से कि ये डेक्स्ट्रो है, जस्ट एज्यूम किया दो मिनट के लिए, तो उसका मिरर इमेज हमेशा लिवो ही होगा, और अगर ये लिवो होगा तो डेक्स्ट्रो ही होगा। उन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे से डिफरेंट एंड ऑपोजिट रहती है। दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या मालूम? द वे दे रिएक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओके बाकी मेटल के साथ जो भी रिएक्शन होंगे सब सेम तरीके रिएक्शन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट बीपी भी एक जैसे एक दोनों के बीपी मेजर करोगे सेम आएंगे। इसके मेल्टिंग पॉइंट भी एक दूसरे के जितने इक्वल है, मतलब यू कैन नॉट सेपरेट देम। अगर दोनों मिक्स हो गए, हम लोग ने 1810 में देखा हुआ है कि अगर दो सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग और मिक्स हो गए तो व्हाट डू वी यूज, उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसको सेपरेट करो, दो कंपाउंड है जिसके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है तो क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे इनको सेपरेट नहीं कर सकते अगर दोनों कंबाइन हो गए तो। फर्क खाली इन दोनों में एक ही चीज का है, वो है उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी। दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। और नॉर्मली अगर आपके पास दोनों का प्रोपोर्शन 50% 50% मिल गया मिक्सचर के अंदर, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। दोनों 50% 50%। थोड़े से पॉइंट और ऐड करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। नेंसियमर में अगर ये डी या एल है तो ये क्या हो जाएगा? एल या डी। इज दिस फाइन? ओके, कई बार हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं डी एन एल के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। इज दैट फाइन? इक्वल प्रोपोर्शन मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, एंड रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे सर समझ में नहीं आया। नॉर्मली अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है, उसमें से 50% क्या होगा? डेक्स्ट्रो होगा ना, 50% क्या होगा? लिवो होगा। सपोज आपने सोचा कि इसको मुझे पोलरीमीटर में डाल देना है, और पोलरीमीटर में अंदर हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? रेसिमिक मिक्सचर। तो उसका 50% इसको कैसे घुमाएगा? लेफ्ट में। और 50% कैसे घुमाएगा? ओवरऑल क्या हो गया? और सरदार जी वाला जो करेक्ट ना ओके, एक मार रहा धक्का इस तरफ, एक मार रहा धक्का उस तरफ, अल्टीमेटली गाड़ी वहीं के वहीं। बराबर है कि नहीं? ओके, उन दोनों के लिए नया जोक है। इन लोगों ने जोक बनाया, मीत एंड चन्मय। एक बार एक गड्डी जा रही थी, चार सरदार जी थे, गड्डी रुक गई, चारों सरदार जी धक्के मार रहे, गड्डी फिर भी वहीं की वहीं। क्यों? दो आगे से धक्के मार रहे, दो पीछे से धक्के मार रहे। तो ऐसा ही हो गया। ओके सर, हम लोग बोर हो चुके हैं ये जोक से भी। कितनी बार सुना होगे? कितनी बार सुना आप लोगों ने अब तक? नहीं सुना? कितने साल से सुनते आ रहे हो ऐसा? तो सदा जी घर में जन्म लिया क्या? चलो मिल कर दी। हाँ मैं तो कितने साल से तुम्हारे घर में नहीं हूँ, अगर तुम कितने साल से सुनते आ रहे हो मतलब आप वही सदार जी हो। चलो मिल करने की बात। ओके गाइज, आई लव यू ऑल। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि भाई अगर इसका रेसिमिक मिक्सचर है तो ये भाई साहब कैसे है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बराबर है? लास्ट पॉइंट इसके अंदर हम ऐड कर देते, नॉर्मल रिएक्शन के अंदर कोई ऐसा मुझे पूछता है कि सपोज हमने सर ये बनाया कोई रिएक्शन के अंदर, तो वो डेक्स्ट्रो बनेगा या लिवो बनेगा? दोनों बनते, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन यानी कि रेसिमिक मिक्सचर ही बनता है। इन नॉर्मल रिएक्शन यू डोंट हैव अ चॉइस कि डेक्स्ट्रो बनाए या लिवो बनाए, नॉर्मल रिएक्शन के अंदर दोनों एक साथ बनते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो वो भी मैं यहां पे ऐड करता हूं। सो इन नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज रेसिमिक मिक्सचर इज फाइनल प्रोडक्ट। वाह, चलो ये समझ में आ रहा है। व्हाट इज नेंसियोमर्स? आर यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अ सपोर्टिंग टॉपिक। ठीक है, नाउ आगे हम पढ़ाई करते हैं।
हमें यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट ले रखा है, और वो ले रखा है मैंने, इसका नाम दे रखा है डायस्टीरियो आइसोमर। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्या है हमारे पास? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां पे जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, एज यू कैन सी, ओके 1, 2, 3 एंड 4 ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया आपका। 2 पे OH है, 3 पे OH है, रिसेंटली 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? बराबर है कि नहीं? आई डोंट नो मीट आपको आ रहा है बेटा? आपने आईपैक मेरे साथ नहीं सीखा हुआ, बाकी सबने सीखा हुआ। अरे तुझे तुझे भी आ रहा है? यस, तुझे भी सीखना बाकी ना। सब नए वाले स्टूडेंट्स मुझे मिलते जाना, लेकिन ये समझ में आ रहा है तुझे मुझे बता रहा हूँ कि मैं आपको आपका एक्स्ट्रा लेक्चर्स कल से चालू करवाता हूँ। 7-8 लोग हो चुके हो अभी आप, एंड थोड़े से और पाइपलाइन में, दे आर आस्किंग मी टू, आई डोंट नो, ओके मैं एडमिशन दूंगा या नहीं दूंगा, आई एम नॉट श्योर। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि अभी ये इतना सारा टॉपिक पढ़ाने के यार दिमाग फिर कहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, देखिए ये एक स्ट्रक्चर हुआ, एक स्ट्रक्चर ये भी तो है। कैन यू सी द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे दोनों OH सेम साइड ऑफ कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है भाई, तो व्हाई कायरल कार्बन, आई विल कम टू दैट, बट यहाँ पे डिफरेंस पहले देखिए, यहाँ पे दोनों OH सेम साइड पे, यहाँ पे दोनों OH अपोजिट डिरेक्शन में, करेक्ट ना? सीजन ट्रांस नहीं, सीजन ट्रांस डबल बॉन्ड में ही होता है। सीजन ट्रांस किस में होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मतलब ये दोनों सेम चीज तो नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन और एक चीज समझ में आ रही है कि भाई अगर आपके पास ये है तो इसका मिरर इमेज भी तो बनेगा। ये इसका मिरर इमेज बनेगा और इसका मिरर इमेज बनेगा, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है अब बराबर है? बराबर, मैंने यहां पे एक H नहीं लिखा है, वो भी लिख देता हूं। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगर आपके पास 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है, अब जरा ध्यान से देखते हो तो ये जो कार्बन है ना, ये वो काइरल कार्बन है। सर कैसे पता चले? आप देखिए उसके साथ एक OH, एक COOH, एक H और चौथा ये पूरा ग्रुप, चारों कार्बन अलग, तो उसको क्या बोलेंगे? काइरल कार्बन। मैं राइट कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है काइरल कार्बन ये? ओके चलो अच्छी बात है, वो तो काइरल है, बाकी के सेकंड वाले को भी देख लेते हैं, क्या वो काइरल है? हाँ ये भी काइरल है, क्यों? एक OH, एक CH3, एक H और चौथा पूरा ग्रुप, मतलब इसके अंदर अगर आप देखने जाओ तो इसके अंदर हमारे पास दो काइरल कार्बन थे, ओके नंबर ऑफ काइरल कार्बन, इस N, तो याद रखना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियो केमिस्ट्री। और ये आइसोमर से, ऑप्टिकल आइसोमर से, ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर मैंने पहले आपको सिखाया, वो नैन्सियोमर्स थे जो मिरर इमेज थे, अभी डायस्टीरियो आइसोमर सिखा रहा हूं लेकिन पूरा नहीं सिखाया, बस डायस्टीरियो आइसोमर्स भी इससे ऑप्टिकल आइसोमर। टोटल स्टीरियो आइसोमर हमेशा 2:2N, हमेशा क्या बनेंगे आपको? यहां पे काइरल सेंटर कितने थे आपके पास? यहां पे हियर एन इक्वल टू टू, देयरफॉर टोटल आइसोमर्स आपको मिले 2:2, विच इज इक्वल टू 4। यू कैन सी दैट ABCD, समझ में आ रहा है आपको? ओके बहुत बढ़िया चीज, बढ़िया चीज आप समझ रहे हो। यहां पे मुझे उसको ऐड कर लेंगे, आई थिंक ध्रुव हैज नॉट एंटर बट जैनिल इज अटेंडिंग द लेक्चर। ठीक है, अगर ध्यान से देखते हो ANB, इफ यू सी केयरफुली दिस टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नैन्सियोमर्स। उसको क्या बोलते हैं?
नेंसियमर्स, तो ये दोनों नेंसियमर है, वेरी नाइस. नॉट ओनली ए एंड बी एज वेल एज सी एंड डी ऑल्सो, एज वेल एज सी एंड डी ऑल्सो. मैं खाली यहाँ पे कायरल कार्बन लगा देता हूँ. और यहाँ पे सी एच थ्री लगाना बाकी है, ठीक है. तो ए एंड बी एज वेल एज सी एंड डी आर पेयर्स ऑफ नेंसियमर, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट अबाउट तू क्यों आ गया भाई, पक यहां पे, यहां पे, यहां पे अपनी जगह पे वापस, ठीक है. बट व्हाट अबाउट ए एंड सी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए एंड सी, आर दे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? सी ओ एच के सामने सी ओ एच, ओ एच के सामने ओ एच आया, ओ एच के सामने एच, ओ एच नहीं है. कैन यू सी दैट दे आर नॉन मिरर इमेज? अच्छा चलो, वो तो नॉन मिरर इमेज हो गए. व्हाट अबाउट ए एंड डी? ओ एच के सामने ओ एच, यस. सी ओ एच के सामने सी ओ एच, यस. एच के सामने एच, वाव. काइरल कार्बन के सामने काइरल कार्बन, वाव. ओ एच के सामने नॉन मिरर इमेज, समझ में आ रहा है? सो हियर एज वी कीप ऑन डूइंग दिस वील कम टू नो कि भाई जो ये ए एन सी है, ए एन डी है, बी एन सी है, बी एन डी है, दे आर नॉन मिरर इमेज. And they are known as diastereo isomer. They are supposed to be non-mirror image. They are supposed to be. They have different optical activity. ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई opposite image में ही, मतलब mirror image में ही optical activity different होगी. इनकी भी optical activity different हो सकती है. Different का मतलब ये भी नहीं है कि ये dextro हुआ तो ये levo ही होगा. ये डेक्स्ट्रो है, ये भी डेक्स्ट्रो हो सकता है. इसमें प्लस 50 डिग्री रोटेशन हो रहा है, इसमें प्लस 15 डिग्री हो रहा है, तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी. ओके, जरूरी नहीं कि तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दे हैव डिफरेंट. मत रो मेरी जान, बहुत अच्छा. तो अभी रोएगा तो जिंदगी पर रोता रहेगा कि उस दिन लेक्चर में ध्यान दे दिया होता. हाँ रो रहा है, काफी इमोशनल हो गया, सर कितना अच्छा पढ़ा रहा है इसलिए रो रहा है. और मैं रो रहा हूँ कि ये कितना अच्छा स्टूडेंट है. हाँ ओके, सर का इसे मैं बोला. हाँ तो इसीलिए बोलता हूँ, तो मेरी जीडब्ल्यू की बेच छोड़ दे. ये सही बोला, विल कंटिन्यू पढ़ता. तू रोएगा तो अच्छी बात नहीं है मेरी जान. नाउ हियर पूरा ध्यान देना है बेटा, रीजन मैं बताता हूँ. आपको लगेगा सर ये बहुत रूड हो जाता अगर आप ऐसे बोल दो. यस इट इज रूड टू मी बिकॉज आई पुट ऑन लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट फॉर यू एंड नॉट ओनली टूडे फॉर द नेक्स्ट कमिंग वन एंड हाफ ईयर आई एम गोइंग टू पुट एंड समवन डजंट पे फॉर 10 मिनट्स अटेंशन इट इज अ वेरी रूड जेस्चर टू मी सो आई विल बी वेरी रूड विथ यू. ओके so be careful with me. मैं अपने मेहनत की कीमत लगाता हूं. मेरी जो मेहनत है आपको पता नहीं पता. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, नॉट एटलीस्ट ऑन रिकॉर्डिंग. ओवर हियर द नेक्स्ट पॉइंट, ओवर हियर कमिंग बैक टू ऑपरेट. So they are diastereo isomers. They are supposed to be non-mirror images. A and C, A and D, B and C, B and D. They have different optical activity. Okay, thank you. What else? They have different physical and chemical properties. समझ में आ रहा है आपको डायस्टीरिया इसमें? बहुत बढ़िया, चलो विल कंटिन्यू पढ़ता.
यस मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, होता है ना स्ट्रक्चर अलग है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनका क्रिस्टल पैकिंग पे उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अभी देखो इसका जब शेप अलग हो जाता है ये वाला, तब जब वो एक दूसरे के साथ ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं तो एक दूसरे के अंदर वो आराम से पैक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, डिपेंड रहता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग हो गया, उनका पैकिंग अलग हो जाता है। जब क्रिस्टल बनता है एक दूसरे के साथ सॉलिड बनता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट इज सॉलिड में से लिक्विड, तो वो कितने नज़दीक आ सकते हैं? अगर बहुत नज़दीक देन मेल्टिंग पॉइंट हाई, नज़दीक नहीं आ पाए मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, देन मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर के बेस पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब चेंज हो जाता है। जब हम मिरर इमेज देखते हैं ना बेटा, देखिए यहाँ पे मिरर इमेज में इन दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं है, खाली एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो जैसे ये एक दूसरे के साथ पैक होगा वैसे ये एक दूसरे के साथ पैक होगा, इसमें एक दूसरे के साथ पैकिंग ऐसा नहीं होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अलग, बॉइलिंग पॉइंट अलग, केमिकल रिएक्टिविटी विल बी डिफरेंट। सी व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर नॉट लर्निंग नॉर्मल केमिस्ट्री, वी आर लर्निंग ओके इन डेप्थ केमिस्ट्री, वे स्ट्रक्चर के अंदर माइन्यूट डिफरेंस कैसे फर्क पड़ता है। तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, वी हैव टू थिंक वेरी डिफरेंटली। ओके ये होगा तो इसका प्रॉपर्टी अलग होगा। ओके एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री जो है ना, जो मैं ये सिखा रहा हूँ, हम लोग के सिलेबस के अंदर इम्पैक्ट 1% भी नहीं है, इंक्लूडिंग जेडब्ल्यू। आज जो मैं सिखाया उतना ही है 1%, बट जैसे ही आप में से कोई ऑब्वियसली जेडब्ल्यू वाले हो इसलिए कोई पैरामेडिकल फील्ड में शायद नहीं जाओगे, अंटिल अनलेस यू वांट टू बिकम बायोमेडिकल इंजीनियर। ओके जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिस्ट्री है, हमारा बॉडी का, हमारे बॉडी का, प्लांट का, जितना भी केमिस्ट्री आप पढ़ाई करते हो वो सब के सब स्टीरियो केमिस्ट्री। आप लोग सरप्राइज होंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ओके जितनी भी मेडिसिन बनती है ना सब डेक्सट्रॉन लिवो फॉर्म में होती है। सबके सब कौन से फॉर्म में हो रहेगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है जितने भी कंपाउंड है सब सबके सब ऑप्टिकल एक्टिव है, डेक्सट्रॉन लिवो। एक हेडेक दूर करने की सिंपल सी मेडिसिन डिस्प्रिन, हेडेक रिमूव करने की कौन सी मेडिसिन है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन की भी जब वो फैक्ट्री में बनाते नॉर्मल रिएक्शन से दोनों बनता है, हमेशा मिक्सचर बनेगा। देयर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, वो सेपरेट करते डेक्स्ट्रो फॉर्म को और लिवो फॉर्म को। और यू नो हमारे बॉडी में उसमें से एक ही फॉर्म काम करता है, डेक्स्ट्रो या लिवो। अगर सब लेस से फॉर एग्जाम्पल लिवो फॉर्म हमारे बॉडी में से हेडेक रिमूव करता है, डेक्स्ट्रो इज लाइक मिट्टी कुछ नहीं करेगा। अगर आपने डेक्स्ट्रो वाली मेडिसिन ले ली ना कुछ नहीं करता है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बनाया दवाई वाली कंपनी ने, डेक्स्ट्रॉन लिवो दोनों बना, दिखता सेम है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो कहाँ पे पड़ता है, पॉलीरिमीटर में। उन्होंने स्पेशल मेथड से सेपरेट किया, पैकिंग कर दिया, गलती से डेक्स्ट्रो वाला पैक करके मार्केट में बेच दिया। हमारे लिए क्या है वो मिट्टी, कुछ कुछ दूर नहीं करता है, वहां ऊंचा कुछ भी दूर नहीं करता है वो। हमारे बॉडी में क्या जाना चाहिए था, लिवो। ये कौन सी मेडिसिन की मैंने बात की, सिंपल मेडिसिन टू रिमूव हेडेक। उससे आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हमारे जीवन में इतने सारे डिसीजेस होते हैं लोगों के जीवन में कि जहाँ पे मेडिसिन के बेस पे वो लोग जिंदा रहते हैं। गलती से मैन्युफैक्चरर ने डेक्स्ट्रो लिवो की जगह पे कुछ और डाल दिया, सपोज कैंसर की मेडिसिन या किसी और जानलेवा बीमारी की मेडिसिन। वो मेडिसिन लाखों में आती है लेकिन क्या हो जाएगा उसके लिए, मिट्टी हो जाएगा। इट इज अ फैंटास्टिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जो लोग फार्मेसी पढ़ाई करते हैं, जो लोग मेडिसिन पढ़ाई करते हैं, इनके बाद जैसे ही आगे जाएंगे दार ये तो आना ही चाहिए। कल उठ के आपने अगर सपोज इंजीनियर बने, इवन लेट्स से के AI इंजीनियर बने और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना है एक मेडिसिन मैन्युफैक्चर वाली कंपनी के लिए, आपको इन एंड आउट जानना पड़ेगा तभी तो आप AI डेवलप कर पाओगे। किसने बोला केमिस्ट्री काम की नहीं है, बहुत काम की है। अभी ये क्यों, अभी हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं,
जितनी भी नई मुझे मैकेनिज्म सिखानी है या नया रिएक्शन सिखाना है, मुझे आपको 3D स्ट्रक्चर समझाना है। 3D स्ट्रक्चर में मुझे ये समझाया भी ना आता ही नहीं, NCERT सिलेबस में अभी नहीं आता, और 12th में आता है तभी मैं रेगुलर बेस पे ये सिखाया ही नहीं। करेक्ट और नॉट? सो दैट्स फाइन, ओके, तेरा आंसर मिल गया बेटा तुझे? वेरी गुड, लव यू। ओके, तू ध्यान दे रहा है? वेरी गुड, लव यू। ओके सर, मारने के बाद लव यू बोलते हो? हाँ वैसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी बेटा, अभी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो तूने मुझे अभी एड्रेस किया कि सर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो या लिवो कैसे पता चले? नहीं पता चलता, बराबर है कि नहीं? किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, कैसे पता चले? नहीं पता चलता है। बड़ा होके वो क्या करने वाला, किसको पता, बराबर? लेकिन बच्चे के माँ बाप जो होते हैं ना बड़े, ओके, हर एक पेरेंट, आई एम ए पेरेंट्स, आई नो, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस आवर पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स हमेशा यही चाहते कि भाई उनका बच्चा बड़ा होके बड़े अच्छे काम करे। तो एक पेरेंट्स ने अपने बेटे का नाम रख दिया राजा। क्या रख दिया नाम? क्यों? बड़ा होके राजा की तरह जिंदगी जिएगा। ओके, सॉरी टू से, ओके, 20 साल के बाद वो भीख मांग रहा था। सॉरी, ओके, ऐसे ही आप इमेजिन कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि नाम रखने से वो ऐसे ही काम करेगा। ओके, एक ने नाम रख दिया प्रकाश, बेचारा आंख से अंधा निकला। सर आप तो ऐसे ही एग्जांपल दे रहे हो जहां पे बेचारा उल्टा हो रहा है। ओके ओके, पुराने जमाने में एक पिताजी ने नाम रख दिया भिखुराम, बड़ा होके ओके बड़ा व्यापार ही निकला। जरूरी नहीं है जैसे नाम रखो वैसे ही काम होते, करेक्ट और नॉट? आरिकेतिमी, बट माँ बाप की इच्छा यही होती है कि भाई जो नाम रखा आप वैसा ही काम करो, बराबर? कर्तव्य, आपकी कर्तव्य अच्छी ही हो। ऑल द बेस्ट, ओके, चलो वेल कर, बराबर ना? और ध्येय, तू अपने ध्येय पे ही ध्यान देना। चलो वेल कर, नहीं पता। ओके, बराबर ना पाटिल? चलो, वो बता वेद नहीं बोलते काफी। चलो, सो पॉइंट ओवर हियर, सिंपल पॉइंट, चलो मजाक की बात थी, ओके, किसी को बुरा मत मानना, ओके, अगर किसी को बोल दिया तो दिल से बोला, ठीक है ना भैया? सी द पॉइंट ये था कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो या लिवो है वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो नाम रखना पड़े ना इसका। ओके, साइंटिस्ट का, ओके, वो खुद भी अभी ज्यादा नहीं बोल रहा, वो भी पोलरिमीटर के अलावा जाने से तो हर बार थोड़ा पोलरिमीटर लेके घूमते रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक RNS नोमेनक्लेचर रखा। क्या रखा हुआ है? नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण विधि, विधि इसका मतलब क्या हो गया? नामकरण प्रोसेस, बराबर है कि नहीं? नामकरण प्रोसेस में अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाता है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे रखे उसके लिए थोड़े से रूल है। रूल नंबर 1, यहां पे एक काइरल कार्बन है, उसके साथ 4 ग्रुप जुड़े हुए, चारों को हमें प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है? और हाईएस्ट प्रायोरिटी वैसे आइटम को देंगे, काइरल कार्बन से डायरेक्ट अटैच जो काइरल कार्बन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा। एक्चुअल रूल ऐसा है कि जिसका एटॉमिक वेट हाई होगा, बट एटॉमिक वेट सबका हमें पता नहीं है, बट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं, ओके, प्रोपोर्शनल होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते बट प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहां पे है हमारे पास, अगर आप देखो तो ये कार्बन के साथ, ये काइरल कार्बन है, उसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा है, यहां पे OH में से O जुड़ा है, H नहीं, डायरेक्टली कौन जुड़ा है? O, CH3 में से कौन जुड़ा हुआ है? C, और CHO में से कौन जुड़ा हुआ है? C, चलो ठीक है, 4 जुड़े हुए O, C, C एंड CL, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट किसका? CL, क्लोरीन का, तो क्लोरीन को हम नंबर 1 दे देंगे प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑक्सीजन को सेकंड। फिर प्रॉब्लम आया, CH3 में भी C जुड़ा हुआ है, CHO में भी C जुड़ा हुआ है, तो C के बाद यहां पे दूसरा कौन है? O, H नहीं, O है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है,
इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और सी ए थ्री में क्या है, तो यहाँ पे सी के बाद क्या आया, ओ, मतलब थर्ड नंबर इसको मिलना चाहिए और फोर्थ नंबर इसको मिलना चाहिए। समझ में आया? आरएनएस नोमेनक्लेचर के अंदर ये वन मार्क दो मार्क में पूछते हैं, 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का टॉपिक है, बट अभी हमें जरूरत है इसलिए मैं तो अभी से पढ़ाना चालू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एस्ट्रिक का साइन, मैंने नंबरिंग दे दिया वन, फिर इसको दे दिया टू, इसको दे दिया मैंने थ्री, इसको दे दिया फोर, रूल नंबर वन। ओके, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में रूल नहीं लिखा, जैसे कि सेम आइटम रिपीट होता है तो गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे छोटा सा वो ऐड कर देता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल ये कायरल का बने, उसके बाद आपके पास सी एच ओ, ये कायरल कार्बन और उसके बाद सी एच थ्री, तो इसको हाइयर प्रायोरिटी मिलेगी, करेक्ट है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फिर जरा ध्यान से देखा, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि क्या ये, क्योंकि ये नोट्स में आपको ये नोट्स देने वाला है, आपको लिखने के लिए भी नहीं दे रहा, तो यही वाले। सपोज आपके पास एक कायरल कार्बन, उसके बाद सी एच ओ है एंड एक कायरल कार्बन जिसमें सी ओ ओ एच, तो किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए बताइए मुझे? सी ओ एच को, क्यों? क्योंकि सी के बाद सी ओ तो आ रहा है, सी के बाद सी ओ तो आ रहा है, उसके बाद यहां पे एच है, यहां पे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, आप पहले तो प्रायोरिटी असाइन करनी आनी चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? नाउ रूल नंबर टू, हमने यहां पे दे दिया, उसके बाद इग्नोर ग्रुप फोर, ग्रुप फोर को मारो गोली, आपके पास वन टू थ्री आएंगे, उसको एक सीक्वेंस देनी है, एक सीक्वेंस ऐसे आएगी, वन टू थ्री को घुमाओगे जैसे कि मैंने यहां पे घुमाया, ऐसे घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है टूवर्ड्स लेफ्ट, या तो वन टू थ्री के सीक्वेंस दोगे तो ऐसे आएगी, या तो वन टू थ्री के सीक्वेंस दोगे कैसे आएगी, इस तरफ आएगी क्लॉकवाइज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर वो टुवर्ड्स राइट घूम रहा है, वन टू थ्री ये राइट की ओर जा रहा है, कैन यू सी दिस, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसको आर नाम देंगे, ये कंपाउंड का नाम आर है, ऐसा बोलेंगे, रेक्टस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो इसका ग्रीक वर्ड है रेक्ट, रेक्टस का मतलब होता है टूवर्ड्स राइट। एंड अगर वो वन टू थ्री ऐसे जा रहा है, ओके, वो ऐसे है मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट, एस, एस का मतलब सिनिस्टर, एस का मतलब क्या है? ओके, मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, यहां पे हमने फोर्थ को इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया फोर्थ को, वन टू थ्री जा रहे हो, इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, बराबर है कि नहीं, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ओके एस, तो ये जो कायरल कार्बन है उसको सिनिस्टर एस, इसका नाम है टू क्लोरो टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, ये एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, इसका नाम स्ट्रक्चर बेस्ड नेम है, एस है उसका मतलब ये डेक्स्ट्रो होगा ना, ये लिवो होगा ना, वी डोंट नो, हाउ डू वी नो दैट, पोलरीमीटर, उसके काम कैसे, वो तो पोलरीमीटर ही दिखाएगा, वो तो टेस्ट करना पड़ता है, उसका नाम ये है, आपके दोस्त के दोस्त आप नाम देख के नहीं बनाते, दोस्त किससे बनाते आप, काम से, एम आई राइट और रॉन्ग, कई बार दोस्ती में टेस्ट करते हो आप, हाँ अरे करते,
ओके जेब में पैसे होते हैं फिर भी बोलते हैं यार आज थोड़े पैसे कम है देना, देखना चाहते हो कि वो कितना हेल्पफुल होता, उसके पैसे नहीं चाहिए पर देखना चाहता कि सही में जब मुझे मदद की जरूरत है तो ये हेल्प करेगा या नहीं करेगा, करनी चाहिए। और कहीं पर उसका फायदा हो जाता है, अच्छा ये मदद करने वाला बंदा है, बेटा एक काम करना भाई आज है ना मुझे बहुत बुखार जैसा लग रहा है, आज मेरा होमवर्क तू कर दे, ऐसा करते हैं। आपका कोई दोस्त ऐसा है मतलबी दोस्त है कि नहीं? आई लाइक दैट। नहीं करने का, करने का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल वसूल करने का, डबल 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 वसूल करने का। चला विल कंटिन्यू पापा, लव यू ऑल। ये पॉइंट समझ में आवे छे कि नहीं आओ तो वी गेट इट बेटा, आप सबको समझ में आ रहा है? आर आर यू गेटिंग? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अभी ध्यान से देखना और एक रूल डालना मेरे से बाकी रह गया इसके अंदर। रूल थ्री, इफ ग्रुप फोर इज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस देन गिव ऑपोजिट नेम। लेट मी एक्सप्लेन यू, जैसे कि ये ठीक है, अगर हम इसका नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग के हिसाब से आई थिंक सो इसको नंबर वन, इसको नंबर वन मिलना चाहिए, इसको नंबर टू मिलना चाहिए, इसको नंबर थ्री मिलना चाहिए, इसको नंबर फोर मिलना चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फोर को इग्नोर कर दो, वन टू थ्री की सीक्वेंस दो। वन टू थ्री की सीक्वेंस कैसे आ रही? टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब हियर वन टू थ्री इज ओके एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर एस। बट ग्रुप फोर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, सिंस इट इज हॉरिजॉन्टल तो एक्चुअल नेम आपको आर देना है, एस नहीं देना है। एक्चुअल नेम आपको क्या देना है? आर। आपका जो भी नाम आता है उससे ऑपोजिट देना, अगर आर आया होता तो क्या देते आप? एस। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? पक्का अर्गेंटेड? जस्ट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, चलो ये वाले का नाम आप दोगे फटाफट, आप मुझे बताओ बताओ मुझे, पहले तो नंबरिंग फटाफट, ये क्या होगा वन, ये क्या होगा टू, ये क्या होगा थ्री, ये क्या हो गया फोर, इसका नाम क्या आता? आर होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे था तो उसको चेंज करना पड़ता है। बट सर का वर्टिकल पे आया तो सपोज यही चीज ऐसे होती, तो आप क्या करते वन टू थ्री, ये क्या है? आर नहीं, आर है ना, हाँ तो बस इसका नाम आर है तो आर ही रखते। अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे है नो चेंज, वर्टिकल से मतलब ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हो या नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट या राइट फर्क नहीं पड़ता। बराबर चेक के नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Are you getting this? चलो वापिस यहां पे आते, यहां पे हम इसका नामकरण करेंगे, ये वन ये टू ये थ्री, आप जाओगे तो इसका नाम कैसे आएगा? S, बट ये तो ये कार्बन जो है आपका R है। Did you get that? चलो यहाँ पे जाते, मैं ये एक्स्ट्रा सब चीज़ें रखना नहीं चाहता हूँ, तो जैसे ये वाला आपको पता होना जरूरी है कि आर क्यों है, पता रहेगा मैं नंबर हटा दूँ कि रखूँ उसको, क्योंकि मैं नोट्स में ये सब नहीं भेजने वाला हूँ। ओके ठीक है,
ठीक है, चलो इतना रख रहा हूँ आपके हिंट के लिए, वापस यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4, आप इसको जाओगे, ये एस होगा, फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, नहीं नहीं ये वाला 1 2 3 ये एस था और उसका ऑपोजिट क्या हुआ आर, ये आर है तो इसका ऑपोजिट ये क्या हो जाएगा एस। याद रखना हमेशा हमेशा याद रखना, अगर आपके पास नेंसियोमर है, नेंसियोमर की पैर में मिरर इमेज में अगर ये आर है तो सामने वाला एस होगा, एस हो तो सामने वाला क्या हो जाएगा ये हिंट समझ में आई आपको, समझ में आई, नेंसियोमर में ये होना जरूरी है, मिरर इमेज तभी बनेगी। अभी हम यहां पे चेक करते हैं, देखो इसका नंबर आप देखिए यहाँ पे ये हो गया 1, आई थिंक सो दिस हैज टू बी 2 एंड ये 3 होगा, ये पूरा ग्रुप है ना सी जुड़ा हुआ है, ये 3 आप 1 2 3 ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 2 3 जाओगे तो टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो ये कार्बन हो जाएगा एस, क्योंकि फोर्थ ऑपोजिट पे, बराबर है कि नहीं। चलो मैं बाकी सब बता देता हूँ, सेम वे हम इसका नाम देते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, नहीं 2 ये होगा क्योंकि सी के साथ काफी सारे जुड़ा हुआ, यहाँ पे सी के साथ क्या जुड़ा हुआ खाली, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये जा रहा है आपके लिए एस, लेकिन ऑपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आर। चलो मैं खाली वही रखता हूं, बाकी हटा देता हूं, तो यहां पे एक कार्बन एस था, एक कार्बन क्या था आर। अभी यहां पे देखते 1 2 और ये 3, 1 2 3 का ये जा रहा है आर लेकिन उसका ऑपोजिट जाएगा बिकॉज एच हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या हो जाएगा नहीं नहीं वापस ये जा रहा है, मैंने कुछ गलती की, 1 2 3 अच्छा ये लेफ्ट पे जा रहा था, मतलब ये एच था और ये आर था, ओके सॉरी सॉरी वापस बताता, ये 1 2 3 ऐसे जा रहा था, मतलब वो लेफ्ट जा रहा तो वो एस था तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आर, यहाँ पे जा रहे तो ऐसे जा रहे मतलब वो आर है लेकिन उसका ऑपोजिट लगाएंगे मतलब एस। चलो ठीक है, नीचे वाला भी मैंने गलत किया हुआ है क्या, ये वाला नीचे वाला गलत किया हुआ है, नीचे वाला बराबर है, चलो जरा यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया 1, फिर ये वाला कार्बन होगा 2, ये 3, ये जा रहा राइट मतलब आर है तो नीचे वाला क्या हो गया एस। चलो ठीक है बेटा, प्लीज जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया एस, कैन यू सी ये आर आर से एस एस हो रहा है इसके अंदर, किसके अंदर एबी में, दैट्स व्हाई इट इज नेंसियोमर। यहां पे ए एन सी में देखते हैं, यहां पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, वो जब घूम रहा है तो ये एस था और क्या रहा आर। अगर आप ध्यान से देखोगे और करोगे इस तरीके से ज्यादा टाइम निकाले बिना, नहीं ये आर ही रहेगा, तो ए और सी को मैं कंपेयर करता हूं तो ये आर आर था, नहीं ये चेंज हुआ, नहीं नहीं नीचे वाला मैंने किया ही नहीं, चलो करता हूं 1 2 3, तो ये जा रहा है आर, ऑपोजिट होके क्या बनेगा एस, ओके ऊपर वाला तो मैंने बराबर किया ना, अब देखिए ये आर आर था ए वाला और ये क्या हुआ आर एस, आर का तो एस हुआ लेकिन आर का आर ही रहा, इज नॉट एन एनसीओमा, दोनों चेंज होने चाहिए, दोनों के दोनों, आपको आरएनएस नोमेनक्लेचर समझ में आ रहा है, डायस्टीरियो आइसोमर्स में वो चेंज नहीं होता है, एनेंसियोमर्स में चेंज हो जाएगा, आप सी एन डी का निकालोगे तो हो जाएगा, ए एन बी का निकालोगे चेंज हो जाएगा, बट ए एन सी ए एन डी बी एन सी बी एन डी नहीं मिलता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, बराबर, बाकी आप घर पर प्रैक्टिस करना, मैंने बेसिक सिखा दिए, वाह।
चलो आरएनए समझ में आया। नाउ मेरे पास और एक कंपाउंड है, बट मुझे दो मिनट का छोटू सा ब्रेक चाहिए पानी के लिए। आई नीड अ स्मॉल बदम। नाउ देखो मेरे पास और एक कंपाउंड है, आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो 2,3-dihydroxybutane-1,4-dioic एसिड है। कैन यू सी दिस 1,2,3,4 OH, OH, COH, COH बराबर है कि नहीं? 2,3-dihydroxybutane-1,4-dioic एसिड। इसके भी चार स्ट्रक्चर मिलते हैं आप अगर आप देखने जाते हो यहाँ पे। मैंने क्या किया, दोनों OH को सेम साइड पे ले लिया, COH, COH, HNH। अगर हम इसकी मिरर इमेज बना दें तो यहाँ पे COH, यहाँ पे COH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, करेक्ट और नॉट? सेम वे इसकी मिरर इमेज बना दें, OH, H, H, OH और यहाँ COH। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इनटू सी एंड डी, जरा ए एंड बी में जरा ध्यान से देखना। ए एंड बी में अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। अगर आप देखो जैसे इसमें OH, COH, H और ये पूरा है, दोनों कायरल कार्बन है। और एक चीज जरा ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगी, वो यहां पे H के सामने H है। अगर सपोज इसको मिरर गिने तो कायरल कार्बन के एग्जिट सामने कायरल कार्बन, COH के एग्जिट सामने COH, OH के सामने OH और H के सामने H हेयर। इनफैक्ट इट हैज इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर वो लास्ट कंपाउंड में नहीं था, लास्ट कंपाउंड में नहीं था, कहां है देखो, COH के सामने क्या आ रहा है, इट वॉज नॉट देयर इन द लास्ट कंपाउंड। जब मैंने डायस्टीरियो आइसोमर पढ़ाया आपको, उसके अंदर नहीं है, बट यहां पे इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। उससे होता क्या है, अगर ऊपर वाला पार्ट, लेट्स गिव द नेम, जरा जरा ध्यान से देखते हैं, ओके, ये आपके पास 1, 2 और नीचे वाला कार्बन जो बनेगा 3, 1, 1, 2, 3 ऐसे जा रहा है, डेट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एस, बट यहाँ पे ये होने की वजह से ये क्या बनेगा, आर कार्बन। चलो अच्छी बात है, ये कार्बन जो है हमारा आर कार्बन है, बाकी को मैं हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है उसको। चलो इसके बारे में देखते हैं, ये कौन सा कार्बन है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। आप ऐसे देखोगे तो ये क्या होगा, आर होगा, बट यहाँ पे ऑपोजिट, यहाँ पे ऑपोजिट होने की वजह से एस बन गया, बराबर है कि नहीं? थैंक यू पूनम भाई। तो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहां पे हमें आर से एस मिल रहा है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे। अगर सपोज ये एल लेटरेटेड रही तो नीचे वाला पार्ट कैसा बन जाएगा, डी, सेम कंपाउंड के विद इन, और ऊपर वाला डी हो तो नीचे वाला कैसे बन जाता। ये कंपाउंड उसके पास दो कायरल कार्बन है, फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, बिकॉज इट हैज इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज उसके पास क्या है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सिंस इट इज इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड हैविंग इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आर नोन एज मिजो कंपाउंड। ऐसा दो जगह पे आपको देखने को मिलेगा, कैन यू सी दिस,
दो कंपाउंड इज ओके हैविंग काइरल कार्बन स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड के पास काइरल कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली कैसा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इसमें ऐसा नहीं होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव और नॉन एक्टिव रहेगा, ये नॉर्मल इनेंसियोमर। सीएनडी क्या है आपके पास? वो नॉर्मल है। कहां पे आपके पास एएनबी? दे आर ओके ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको मेसो कंपाउंड बोलते हैं। अभी एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं हमें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लेते, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर डस 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड हैज? इसके पास कितने ऑप्टिकल एक्टिव है? ऑप्टिकल एक्टिव तो दो ही है, दो नहीं है। तो अभी हमें सही है देखने का, पहले तो नंबर ऑफ काइरल कार्बन देखने के, इक्वल टू एन, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के। अगर वो y है नंबर ऑफ प्लेन, देन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स तो 2:n लेने के, स्टीरियो आइसोमर्स चार बन रहे, लेकिन उसी 1, 2, 3, 4 कंपाउंड बन रहे, बट ऑप्टिकली एक्टिव नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव इक्वल्स टू 2n-y। यहां पे 2:2-1 आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? समझ में आयु तुम लोगों ने? मैं शू समझे बराबर ठीक है, बहुत सेल्यू है ओके। यहाँ पे अभी के लिए हाँ एक दो पॉइंट और शायद आएंगे, अभी के लिए मैं स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ बराबर ठीक है। नाउ आगे मैं बढ़ू, उससे पहले मुझे दो और नए टॉपिक सिखाने, ये PCM के बारे में जरूर नोट ले लेना भाई। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मुझे आप लोगों से ये पूछना है, मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया, क्या आप लोग कर पाए? उसके डाउट्स बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत मतलब 10-15 कार्बिन नहीं करवाया उसका बाकी है, चलो ठीक है तो वो टॉपिक अभी नहीं ले, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ चलो स्ट्रेंथ करनी बाकी है। एक छोटा सा टॉपिक लेके फिर मैं आपके डाउट्स ले लेता, या फिर चलो डाउट्स पे ले लेते फिर टॉपिक टाइम बचा नया टॉपिक ले लेंगे ठीक है। तो